नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। प्रशांत किशोर यानी कि जन सुराज के सूत्रधार, बातें बड़ी बड़ी और काम बिल्कुल छोटा छोटा। जी हां, प्रशांत किशोर जिन्होंने विधानसभा के उपचुनावों के पहले बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन विधानसभा में काम ऐसा ऐसा किया कि जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया, जनता ने बता दिया कि जन सुराज का बिहार में कोई आधार नहीं है। दरअसल ये बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर आप बिहार विधानसभा की 4 सीटों के हुए उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं और उसमें जन सुराज का जो प्रदर्शन रहा है और जन सुराज ने जिन मापदंडों के आधार पर अपने उम्मीदवार तय किए थे, उन सबको अगर देखेंगे तो तय करेंगे कि कैसे प्रशांत किशोर अपनी ही बातों से मुकर करके सारा काम उल्टा पुल्टा करते रहे। दरअसल हम विधानसभा चुनाव के नतीजे पर आए, उसके पहले आपको हम बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने के पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या क्या कहा था। उन्होंने बिहार के स्थापित राजनीतिज्ञों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि यह जरूरी है कि उम्मीदवारों को शिक्षित होना चाहिए, यहां तक कि तेजस्वी यादव के 8वीं पास 9वीं पास होने को लेकर के भी बार बार पीके कटाक्ष करते रहे। लेकिन जब बिहार में उम्मीदवार उतारने का मौका मिला तो पीके ने ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे जो मुश्किल से 10वीं 12वीं तक किसी तरीके से पढ़ लिख पाए थे। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि बिहार की राजनीति को अपराध मुक्त होना चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए जिन पर आपराधिक आरोप हो। लेकिन पीके ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया उनमें हत्या की कोशिश के आरोपों से लेकर दंगा फैलाने और न जाने किन किन के अलग अलग किस्म के आरोपों से घिरे रहे, यानी कि यहाँ भी पीके फेल हो गए। पीके कहते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो पीके ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो पहले से ही दूसरे दलों में रह करके अच्छा भला राजनीति कर रहे थे, यानी कि पीके यहां से भी अपनी बात से मुकर गए। तो जब पीके अपनी सारी बातों से मुकरते रहे तो जनता ने भी इस बार उन्हें दिखा दिया कि अपनी बातों कर अपने वसूल पर कायम नहीं रहने का नतीजा क्या होता है, और आपकी तो 4 में से 3 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। दरअसल हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि कैसे प्रशांत किशोर को विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जो उनके 4 उम्मीदवारों को 66,523 वोट आए हैं, उसमें ये वोट पीके के रहे, जन सुराज के रहे या किसी और के रहे। जहां किसी और के इसलिए क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे ये वोट पीके या जन सुराज का नहीं है, बल्कि ये वोट तो किसी और का था जिसे आप पीके अपना बता करके खूब ढोल बजा रहे हैं। दरअसल हम सबसे पहले बात करते हैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां बेलागंज में मोहम्मद अमजद जो जनसुराज के प्रत्याशी थे उन्हें 17,285 वोट मिले। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलते हैं और आपको यह जानकर के काफी हैरानी होगी कि मोहम्मद अमजद एक पुराने मंजे मंजाए राजनीतिज्ञ हैं। बेलागंज में उनका अच्छा खासा आधार रहा है और वर्ष 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान तो उन्होंने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र यादव को कड़ी टक्कर दी थी और उस दौरान वे नंबर 2 पर रहे थे। दरअसल आप आंकड़े देखिए कि वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में बेलागंज से जदयू उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद अमजद को 48,441 वोट मिला, वे दूसरे स्थान पर रहे। उसके पहले 2005 में जब अक्टूबर का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भी मोहम्मद अमजद 27,125 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि फरवरी 2005 के चुनाव में भी वे 35,911 वोट लाने में सफल रहे थे। यानी कि वो 3 चुनाव ऐसे रहे थे जिसमें कि मोहम्मद अमजद वहां पर कड़ी टक्कर दिए थे, लेकिन इस बार जनसुराज के टिकट के पर उम्मीदवार के रूप में उतर करके जब वो मैदान में आए तो उनके वोटों की संख्या केवल 17,285 पर सिमट कर रह गई। यानी कि एक बड़ा झटका जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर मोहम्मद अमजद को खुद भी लगा, और यहीं से साबित होता है कि जो शख्स 2005 से लगातार ही बेलागंज में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दिखाते रहा था, हमेशा यह माना जाता है कि उनके साथ 12-15 हजार वोटों का एक मजबूत कुनबा मौजूद है। तो ऐसे में अगर बेलागंज में 17,000 वोट ले ही आए मोहम्मद अफजल तो इसे कोई आश्चर्य की बात में कोई नहीं देख रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बेलागंज में मोहम्मद अमजद को जो 17,000 वोट आए हैं वह उनका अपना जनाधार वाला वोट है, न कि इसमें जनसुराज की कोई बड़ी भूमिका रही है।
इसी तरीके से अगर बात करें इमामगंज सीट की, जिस इमामगंज सीट से जितेंद्र पासवान जनसुराज के कैंडिडेट रहे और उन्हें इस चुनाव में जनसुराज की ओर से सबसे ज्यादा 37,103 वोट मिले, तो हम इनका भी जरा सा आपको आंकड़ा बता देते हैं कि ये जितेंद्र पासवान कौन थे और कैसे इनको 37,000 वोट आए। दरअसल जितेंद्र पासवान भी एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं। वे RLSP के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, चौथे नंबर पर रहे थे, और इतना ही नहीं उस इलाके में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार काम करते हुए जितेंद्र पासवान ने अपनी एक प्रभावशाली पहुंच और साथ ही साथ लोकप्रियता भी बनाई। इस बार जब इमामगंज में विधानसभा के उपचुनाव हुए तो वहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी कैंडिडेट रही। और आपको यह भी हम बताएं कि इमामगंज में दरअसल जो वहां पर समीकरण है वोटों के, उसमें मांझी वर्सेज पासवान के बीच में सियासी लड़ाई होती रही है। यानी कि मांझी और पासवान, ये जो दो जातियां हैं मुसहर और पासवान, इनके बीच अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ाने की होड़ लगी रही है। तो ऐसे में जितेंद्र पासवान पासवान जाति से आते हैं, स्वाभाविक है कि उनके लिए पासवानों का एक बड़ा तबका गोलबंद हुआ। और इतना ही नहीं, यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि बिहार में पासवान जाति के सबसे बड़े नेताओं में एक, सबसे बड़े चेहरों में एक चिराग पासवान है। और इमामगंज में चिराग पासवान दीपा मांझी के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। इसे लेकर के कई किस्म की राजनीतिक कयासबाजियां भी लगी, अटकलें लगाई गई कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच सब कुछ बढ़िया नहीं है, जिस कारण से चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने दीपा मांझी के लिए नहीं गए। और भीतर खाने एक यह संदेश गया कि जीतन राम मांझी के लिए चिराग पासवान प्रचार करने नहीं आए, यानी कि दीपा मांझी के लिए चिराग ने प्रचार नहीं किया, तो ऐसे में पासवानों को जितेंद्र पासवान के लिए गोलबंद होना चाहिए। और करीब करीब यही हुआ विधानसभा के उपचुनाव में भी कि जितेंद्र पासवान के लिए बड़े स्तर पर पासवान जाति के जो वोटर्स थे और कुछ अन्य जो बिरादरी के वोटर्स थे वो गोलबंद हुए। नतीजा हुआ कि 37,000 से ज्यादा वोट लाने में जितेंद्र पासवान सफल हुए। यानी कि बेलागंज में जिस कहानी को मोहम्मद अमजद ने अपने इर्द गिर्द बुनाया, वही कुछ इमामगंज में भी जितेंद्र पासवान के साथ हुआ। तो बेलागंज और इमामगंज के बाद हम अब आपको रामगढ़ भी लिए चलते हैं। और रामगढ़ से जिस शख्स को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया था, यानी कि सुशील कुशवाहा, वो सुशील कुशवाहा भी पुराने मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी से वे बक्सर का संसदीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, 80,000 वोट भी लाए थे। लेकिन इस बार जनसुराज के टिकट पर जब वो वहां उम्मीदवार के तौर पर उतरे तो वहां पर उनको वोट आया केवल 6,513। यानी कि जनसुराज में आने का कोई बड़ा फायदा सुशील कुशवाहा को नहीं मिला। इतना ही नहीं, जिस रामगढ़ इलाके से सुशील कुशवाहा आते हैं वहां वो जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं उनकी अच्छी खासी पकड़ है, एक वर्ग विशेष के जो मतदाता हैं उन पर भी इनका प्रभाव है। तो ऐसे में उन समीकरणों का ही असर रहा कि सुशील कुशवाहा अपने चेहरे के बदौलत 6,513 वोट लाने में सफल रहे, क्योंकि वो पहले भी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो जनसुराज और प्रशांत किशोर के चेहरे का कोई बड़ा फायदा न तो बेलागंज में मोहम्मद अमजद को मिला, न तो इमामगंज में वहां जितेंद्र पासवान को मिला, और न ही रामगढ़ में जो सुशील कुशवाहा को मिला। और स्थिति इससे उलट तरारी में भी नहीं रही, जहां किरण सिंह कैंडिडेट रही और किरण सिंह को जो वोट आए वह वोट बमुश्किल से 5,600 के आसपास आए। तो ऐसे में किरण सिंह जब 5,622 वोट ही तरारी में ला पाई तो इससे वहां भी यह संदेश गया कि आखिर क्यों लोगों ने वहां पे किरण सिंह पर भरोसा नहीं जताया। आखिर भाजपा के विशाल प्रशांत और CPIML के राजू यादव के बीच ही क्यों मुकाबला हुआ? तो मुकाबला इसलिए हुआ क्योंकि इन दलों के ऊपर एक अपना प्रभाव जो कहते हैं कि वोटरों पर भी है, जबकि उस मुकाबले जनसुराज कोई भी प्रभाव दिखाने में सफल नहीं रहा। और हम कह सकते हैं कि जमीनी आंकड़े बताते हैं कि जनता ने जनसुराज को नकार दिया है,
पेशेवर चुनावी राजनीतिकार से राजनीति का रास्ता अख्तियार करने वाले पीके को एक तरीके से भी और मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें इसके भी जरूरत है कि सिद्धांत की बात केवल सियासतदानों के लिए दूसरों पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे व्यवहार में खुद भी दिखाना चाहिए। ऐसा न हो कि दूसरे दलों के उम्मीदवार लोगों को अपने दल में लाकर, चाहे वह मोहम्मद अमजद रहे, चाहे वह जितेंद्र पासवान रहे, सुशील कुशवाहा रहे, कि जो पहले से ही अन्य दलों में राजनीति कर रहे थे, उनको अपने दल में ला करके और उनके सहारे राजनीति को आगे बढ़ाएं। ऐसा न हो कि हम ऐसे लोगों को चेहरा बनाएं जिनके ऊपर हत्या की कोशिश, दंगा और न जाने किन किन किस्म के गंभीर आरोप हों, जिनकी राजनीति सिद्धांत विहीन रही हो, उनको हम दल का उम्मीदवार बना करके और दूसरों पर कटाक्ष करें, तो संभवतः जनता राजनीतिज्ञों के इस दोहरे चरित्र को समझती है और नतीजा रहा कि पीके को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। और पीके के उम्मीदवारों का यह पोस्टमार्टम है जो आपने भी अभी सुना कि कैसे पीके के जो पास वोट आए हैं वो वोट पीके के नहीं बल्कि उन लोगों के रहे जो पुराने राजनीतिक पहले से ही अपने अपने इलाके में रहे हैं।